हे दगड़ियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आज मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ कपल सार से बेदिखाल तक का ब्लॉग। तो बनिए रहिए मेरे साथ, और सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर कर देना। तो चलिए अब मेरे साथ सफ़र कीजिए। तो दोस्तों, अब मैं जा रहा हूँ, निकलने वाला हूँ घर से। ये मेरे पापा जी हैं। अरे सूरज है, यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है। तो चलिए अब चलते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, शाम के 4 बजे हैं, वो लव चोरी है और वहाँ पे जाना है अभी हमें। और अभी हम घर से निकल चुके हैं। ये है अमन का घर और ये है मेरे ताऊ जी। और अब मैं गांव के ऊपर रोड पे पहुँचने वाला हूँ। ये पीछे अमन का घर है। अमन की आईडी मैंने यहाँ पे डाल रखी है, आप देख सकते हैं अमन को इंस्टाग्राम पे। और अब मैं पहुंच चुका हूं रोड पे। तो चलिए अब मेरे साथ सफ़र कीजिए। इससे पहले ये देखिए, यहाँ पे आपको मैं कुछ दिखाना चाहूँगा। ये हैं हमारे गढ़वाल के कुमर, जो एक बार चिपक जाते हैं तो निकलते नहीं हैं, बहुत टाइम लग जाता है इन्हें निकालते। और अब हम जा रहे हैं लगचोरी की तरफ। हम नहीं, मतलब मैं ही जा रहा हूँ। और ये शादी हुई थी ना यहाँ पे, तो जेसीबी आई थी, तो जेसीबी ने यहाँ पे साफ किया। ये ऊपर लगचोरी है और ये नज़ारा देख सकते हैं आप, वो दिख रहा है जो हमारा गांव है। और ये लगचोरी है पूरा ऊपर, तो हम यहीं से होते हुए जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूँ लगचोरी गांव। तो मैं लगचोरी गांव में पहुँच चुका हूँ, आप देख सकते हैं। और मैं गांव के बीच में हूँ अभी। गांव पूरा का पूरा खाली लग रहा है अभी, क्योंकि सब गए होंगे। कोई खेलने गया होगा, कोई घास के लिए गया होगा, कोई अपने काम से गया होगा। और ये हमारी दादी जी, बूढ़ी जी, आप इन्हें जो भी बोलें, ये मेरे को ध्यान नहीं आ रहा। और मैं निकल चुका हूँ लगचोरी गाँव से बाहर की ओर। अब देखिए यहाँ से पूरा पीछे ये लगचोरी गांव छूट गया। मैं जा रहा हूँ लगचोरी से, और यहाँ पे एक बूढ़ी दादी घास काट रही है। इसका मतलब यही होता है कि गढ़वाल की बूढ़ी औरतें भी अभी बहुत ही ज़्यादा साहसी हैं। और ये लगचोरी जाने के दो रास्ते हैं, एक ये वाला है जो ऊपर से जाता है, और ये बीच में गाँव के जाता है। तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। आप देख सकते हैं उधर पीछे वो दिख रहा है जो वहाँ पर लगचोरी गाँव के सभी लोग कपड़े उपड़े धोने ने गाय भैंसों को नहलाने आदि के लिए आते रहते हैं। और ये है लगचोरी गांव का गेट। ये जो बेदिखाल से जो लोग आते हैं, उसी गेट से अंदर जाते हैं। देखिए इस गेट पे लिखा भी हुआ है, ग्राम लगचोरी आपका स्वागत करता है, अतिथि देवो भव। यहाँ का रास्ता आप देख सकते हैं आगे का बहुत ही उबड़ खाबड़ है। तो लगचोरी के प्रधान या बेदिखाल के प्रधान जी जो भी इस वीडियो को देख रहे हों या नहीं देख रहे हैं, तो आप प्लीज़ उन तक ये वीडियो पहुँचाएँ और उन्हें यह आग्रह करें कि इस रास्ते को वह जल्द से जल्द ठीक करवा के इस रास्ते की मरम्मत करवाएं। इसके ऊपर जंगल शुरू होने वाला है और इसके बीच में पानी का स्रोत है जो ऊपर से आ रहा है। और वहाँ जो चोटी दिख रही है, वहाँ पे बेदिखाल है और वहीं मुझे जाना है। यहाँ पे एक पानी का स्रोत और है, इसे भी हम काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि ये पानी कहाँ से आता है। तो अगली बार पूछ के आपको ज़रूर बता दूँगा, अगली वीडियो में बता दूँगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं शाम का समय, और पसीने से मैं लथपथ हो चुका हूँ क्योंकि ये पूरी खड़ी चढ़ाई है। तभी मैं जैकेट नहीं लाया पहन के, मुझे पता था गर्मी होगी। दोस्तों ये है राजकीय प्राथमिक विद्यालय लगचोरी। यहाँ पे 1 से 5 तक के बच्चे पढ़ते हैं। फिलहाल स्कूल बंद है, लेकिन गेट पे ताला नहीं है, कुंडी लगी है ओनली। तो आप देख सकते हैं स्कूल को। अगर मेरे पास टाइम होता तो मैं आपको पूरा अंदर से दिखाता, लेकिन फ़िलहाल मुझे जाना है क्योंकि बेदिखाल पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी और फिर मेरे को जाना है रिकी खेत। तो वहाँ पे पहुँचते पहुँचते भी बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाएगा और अंधेरा हो जाएगा।
तो मैं चल रहा हूँ। तो आपको बता दूं, ये पूरा यहाँ पे बांझ बोलते हैं जिन्हें, बांझ के पेड़ हैं, ये पूरा घना जंगल है यहाँ पे। मैं डर तो नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको बता रहा हूँ ऐसी जगहों में बहुत ख़तरा हो सकता है, तो सावधानी से चलें। तो यहाँ पे पानी दिख रहा है आपको, ये पानी हमारे गांव में भी जाता है, और ये पानी के नल भी हमारे गाँव में लगे हुए हैं, तो इस पानी का लोग पीने में भी यूज़ कर लेते हैं कभी कभी। आपको बता दूं, ये पूरा घना जंगल शुरू हो चुका है, ये पूरा घना जंगल है अब, और इसमें आवाज़ें आ रही है अलग अलग, मतलब चलने की, मतलब ऐसे पक्षियां चल रही है ना, चिड़ियां हैं, मुर्गे भी हो सकते हैं और कुछ और भी हो सकता है, मैं कुछ बोल नहीं सकता, इसीलिए इधर से निकलने में जल्द से जल्द ही भलाई है, तो जल्दी से चलते हैं और ऊपर मिलते हैं। फाइनली मैं वहाँ से आ चुका हूँ, देख सकते हैं आप कितना घना जंगल है नीचे, यहाँ पे से सांप नहीं दिख रहा, ये रहा इधर देखिए, अब मैं पहुँचने वाला हूँ बेदिखाल, तो चलिए। तो दोस्तों, चलते चलते पसीने से और बाल ख़राब हो चुके हैं, तो कंघी है मेरे पास, कंघी हमारे पास स्कूल के टाइम से रहती है, स्कूल के टाइम में बैग में लेके चलते थे, तो इसी से हम बाल बनाते थे फिर। दोस्तों, बेदिखाल के निकलने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ऐसी जगहों पे कभी भी कैमरा लेके बैठ मत जाना, फ़ोटो शूट के लिए, वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि ऐसी जगहें बहुत ख़तरनाक हो सकती है, इसीलिए ऐसी जगहों पे ट्रैवल करते हुए फ़ोन को जेब में ही रखना अच्छा होता है। हम तो पहाड़ी हैं, हमें पता होता है हर बात की कहाँ पे क्या होता है, इस वजह से मैं ब्लॉग बना रहा हूँ। तो चलिए अब बेदिखाल के लिए बढ़ते हैं, बहुत टाइम के बाद का सफ़र है ये, तो पसीने से हालत देख सकते हैं, पसीने से क्या हो चुकी है, पसीना पसीना हो चुका हूँ। तो दगड़ियों, आखिरकार मैं बेदिखाल पहुँच गया, ये रहा ऊपर बेदिखाल है, तो चलिए बेदिखाल चलते हैं, और आपको मार्केट भी दिखाऊंगा मैं। चलिए दर्शकों, तो चलते हैं अब बेदिखाल की तरफ, तो ये बेदिखाल का रास्ता है, और ये घर है इधर, पहला घर है ये जो चला गया यहाँ पे से, ये ऊपर स्कूल है, और इस यहाँ पे मौसम भी काफ़ी सुहाना हो रखा है, और अब मैं जा रहा हूँ मार्केट की तरफ। आज किस्मत ही ख़राब है, पूरा बेदिखाल बाज़ार बंद है, तो यहाँ पे दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो चलिए अब चलते हैं यहाँ से। अब मैं जा रहा हूँ ऋषिकेश की तरफ, तो चलिए अब आगे का सफ़र का आनंद लीजिए। सॉरी इस चीज़ के लिए कि फ़ोन का कैमरा ज़्यादा हिल गया और चलते हुए ध्यान ही नहीं रहा, बट कोई नहीं, आप देखते रहिए, प्लीज़ वीडियो स्किप मत करना और हर चीज़ को ध्यान से देखिए। ये पूरा मॉडर्न स्कूल है पीछे, और अब मैं जा रहा हूँ ऋषिकेत की तरफ। नमस्ते, तुम ठीक ठाक? तो मैं बेदिखाल से निकल चुका हूँ, पूरा बेदिखाल मैंने पीछे छोड़ दिया है, और अब मैं जा रहा हूँ आगे। आगे भी लोदली है, और उसके बाद है ऋषिकेत का रास्ता, तो लोदली भी चला गया, अब मैं जा रहा हूँ। रास्ता अब काफ़ी सुनसान हो रखा है, और कोई भी नहीं है मेरे आगे पीछे, तो मैं जल्दी से जल्दी जा रहा हूँ। तो दोस्तों, अंधेरा होने वाला है, रास्ता सुनसान है, इधर उधर देख सकते हैं आप,
सो दगड़ियों मैं पहुंचने वाला हूं। वो देख सकते हैं आप, वो वाला पहाड़ दिख रहा है, उसके पीछे ही जाना है मेरे को। हालत ख़राब हो चुकी है, आराम करना पड़ेगा, कल भी फिर सफ़र करना है हरिद्वार तक का। तो अगला ब्लॉग आपके लिए वेदिकाल से हरिद्वार का होगा, तो उसे भी देखना ज़रूर। फाइनली मैं इस चोटी पे पहुंच गया, अब मेरे को यहाँ जाना है, अब थोड़ा सा ही बचा है, फिर अब आपको दिखाता हूँ तवाजी और के घर पे जाके। सबसे पहले मैं जाने से पहले आपको ये बता दूँ कि यहाँ पे लोग पूरे उसको डांड या तो पटल पानी कहते हैं, लेकिन ये जो दिख रहा है इसका नाम है गुड़लखिल, इसको गुड़लखिल बोलते हैं। ये पूरा गुड़लखिल है, लेकिन इसमें कोई रह नहीं रहा है अभी, इसमें सिर्फ बोल रहे हैं अभी कि कोई बूढ़ा बूढ़ी दो रह रहे हैं, जो छत वाला दिख रहा है बीच में, यहाँ पे मिर्च दिख रही है सुखाई हुई, वहाँ पे लोग रह रहे हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आप यहाँ से देख सकते हैं वहाँ पे हिमालय पर्वत भी दिख रहा है हल्का हल्का, वो मुझे दिख रहा है लेकिन कैमरे में नहीं हो पा रहा है कैद, हल्का सा वो देखो सफ़ेद सा दिख रहा होगा, ये वही है वो हिमालय पर्वत की चोटी है। तो चलिए चलते हैं, और यहाँ से नीचे देख सकते हैं आप, ये रोड है भाखंड बोराट की, और वहाँ पे है मसंड खोली। अब मैं जा रहा हूँ ताऊ जी और के घर पे, वो वहाँ पे कजली का घर है, तो उससे मिलने जाएंगे अभी बाद में। ये वाला, तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे नारंगी हो रखी है, तो नारंगी भी लेके जाएंगे कल हम यहाँ से। और ये है मेरी चाची जी जो सब्जी काट रही है, और ये है मेरे ताऊ जी और ताई जी जो अभी कंबल को यहाँ पे कपड़े पहना रहे हैं, क्योंकि ठंड हो रखी है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। तो ताऊ जी अब इसे लगा रहे हैं ताकि उन्हें ठंड ना लगे। और जहाँ पे मैं ये आया हूँ इसका नाम है ऋषिकेत। तो अब हम चलेंगे कजली के घर पे, ये बूढ़ी, लेकिन यहाँ पे सत्यम अभी गेम में बिजी है, और शिवानी काट रही है कद्दू, जो कि आज हमारे लिए बन रही है कद्दू की सब्जी। और हम पहुँच चुके हैं कजली के घर पे, लेकिन कजली तो घर पे है ही नहीं। वो आई, देखो आ गई, छुप छुप के आ रही है। कजली ने चाय के बारे में पूछा तो मैंने मना कर दिया, लेकिन फिर भी इसने बना दी। मैं दोस्त के आ गया, उसने मेरे लिए चाय बनाई। चाय पीते पीते हमारी बातें हो रही थी, और हो चुकी हैं। वो रही कजली, लेट की फ़ोन चला रही है, और ये है सत्यम जो आपके लिए हाई कर रहा है, और कजली तो फ़ोन में पता नहीं क्या देख रही है, बिजी हो रखी है, और सत्यम भी गेम में बिजी है। तो चलिए आज का सफ़र इतना ही है, अब सबने खाना भी खा लिया है, खाना खा के अब सब सोने चले गए हैं, तो अब हम भी चलते हैं सोने, क्योंकि सुबह जाना है जल्दी। तो चलिए, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलते हैं अगले ब्लॉग में।